एक्ने, जिसे मुहासे भी कहा जाता है, दुनिया भर में लगभग 85% लोगों को प्रभावित करता है। यह एडल्ट्स में होने वाली एक बहुत ही सामान्य स्किन कंडीशन है। व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स और पिंपल्स एक्ने के सामान्य लक्षण हैं। एक्ने कई कारणों से हो सकता है। आपके चेहरे पर पिंपल्स, मुहासे, दाग धब्बे, चाहे किसी भी कारण से हो, उन्हें घर पर ही कैसे ठीक करना है, इस बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला इलाज है हनी एंड सिनेमन मास्क, यानी शहद और दालचीनी से बना फेस मास्क। शहद और दालचीनी में बैक्टीरिया से लड़ने की और सूजन को कम करने की क्षमता होती है, जिससे वे सूजन को कम करने में मदद करते हैं। हनी सिनेमन मास्क बनाने के लिए 2 चम्मच शहद और 1 चम्मच दालचीनी पाउडर को मिलाकर पेस्ट बना लीजिए। चेहरे को साफ करके उस पर पेस्ट लगाइए। 10 से 15 मिनट के लिए रखिए। उसके बाद अच्छी तरह से इसे धो लें और चेहरे को टॉवल से सुखा लें। नेक्स्ट है ग्रीन टी। ग्रीन टी में बहुत अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं। इसे पीना तो आपके लिए लाभकारी होता ही है, साथ ही साथ यह मुहासे, पिंपल्स को कम करने में भी मदद करता है टॉपिकल एप्लीकेशन करने पर, क्योंकि ग्रीन टी में पॉलीफिनॉल्स पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया से लड़ते हैं और सूजन को कम करते हैं। पिंपल्स के इलाज में ग्रीन टी को इस्तेमाल करने के लिए ग्रीन टी को उबलते पानी में 3 से 4 मिनट तक के लिए भिगो दें। चाय को ठंडा होने दें। एक कॉटन बॉल का उपयोग करके चाय को अपनी त्वचा पर लगाएं, या इसे स्प्रे वाले बॉटल में डालकर आप फेस पर लगा सकते हैं। इसे सूखने दें, फिर इसे पानी से धो लें। अपनी त्वचा को टॉवल से टैप करके सुखाएं। आप बची हुई चाय की पत्तियों को शहद के साथ मिलाकर मास्क भी बना सकते हैं, फेस मास्क बना सकते हैं। वैसे आपको ग्रीन टी कंटेनिंग क्रीम, लोशंस आदि आसानी से मार्केट में मिल जाएंगे। अगला है जिंक। जिंक एक आवश्यक पोषक तत्व है जो सेल्स के विकास, हार्मोन प्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और प्रतिरक्षा तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। जिन लोगों में एक्ने यानी मुहासे, पिंपल्स आदि होते हैं, उनमें जिंक का निम्न स्तर पाया जाता है। कई अध्ययनों से तो यह भी पता चला है कि सीवियर और सूजन युक्त मुहासों को ठीक करने में जिंक प्रभावी होता है। शरीर को प्रतिदिन 40 मिलीग्राम जिंक की आवश्यकता होती है। अगर आपके चेहरे पर बहुत अधिक मुहासे हैं तो आप जिंक के ओरल सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। नेक्स्ट है टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल में एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है। यह बैक्टीरिया को मारता है और त्वचा में सूजन को कम करता है। टी ट्री ऑयल बहुत पावरफुल होता है, इसलिए इसे डाइल्यूट करके ही त्वचा पर अप्लाई करें। जब आप एक्ने ट्रीटमेंट के लिए टी ट्री ऑयल का उपयोग करें तो 1 भाग टी ट्री ऑयल और 9 भाग पानी लेकर मिक्सचर बनाएं। यानी अगर आप 1 बूंद टी ट्री ऑयल ले रहे हैं तो 9 बूंद उसमें पानी मिलाएं। एक कॉटन स्वैब यानी कि रुई को लेकर मिक्सचर में डुबाएं और फिर से जहाँ जहाँ पर पिंपल है, एक्ने है, वहाँ वहाँ पर लगाएं। अगर आपको ड्राइनेस लगे तो मॉइस्चराइज़र का उपयोग करें। इस प्रक्रिया को आवश्यकता पड़ने पर दिन में 1 से 2 बार दोहराएं। नेक्स्ट है एलोवेरा। एलोवेरा में सैलिसिलिक एसिड और सल्फर पाया जाता है, जिसका उपयोग मुहासों के इलाज के लिए किया जाता है। अगर आपके में एक्ने है, आप एलोवेरा को डायरेक्ट प्लांट से निकालकर अपनी त्वचा पर लगाएं। दिन में 2 से 3 बार यह दोहराएं। आप चाहे तो एलोवेरा जेल दुकान से भी ले सकते हैं, लेकिन प्योर एलोवेरा एडेड इंग्रेडिएंट वाले एलोवेरा से अच्छा होता है। तो बेहतर होगा कि आप डायरेक्टली प्लांट से निकालकर एलोवेरा इस्तेमाल करें। नेक्स्ट है फिश ऑयल सप्लीमेंट्स। फिश ऑयल्स में 2 प्रकार के ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं, EPA और DHA। फिश ऑयल सप्लीमेंट से पिंपल्स की संख्या में कमी देखने को मिलती है, अर्थात फिश ऑयल्स एक्ने के इलाज में मददगार साबित होते हैं। अगला है एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन डेड स्किन सेल्स की ऊपरी परत को हटाने की प्रक्रिया है। आप इसके लिए केमिकल्स का उपयोग कर सकते हैं या फिर फिजिकली स्क्रब करके एक्सफोलिएट कर सकते हैं। पिंपल्स अक्सर ऑयल ग्लैंड्स में ब्लॉकेज की वजह से होते हैं, तो अगर आप रोम छिद्रों को बंद करने वाली कोशिकाओं को एक्सफोलिएट करते हैं यानी हटाते हैं तो मुहासों से राहत मिल सकती है। एक्सफोलिएशन के लिए आप घर पर ही स्क्रब बनाएं। इसके लिए बराबर मात्रा में चीनी या नमक और नारियल का तेल मिलाएं। इस मिश्रण को त्वचा पर लगाकर धीरे धीरे रगड़ें और अच्छी तरह से धो लें। वैसे आप जितनी बार चाहें उतनी बार एक्सफोलिएट कर सकते हैं, पर अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं रहता तो दिन में 1 बार भी काफ़ी होता है। अगला है फॉलो अ ग्लाइसेमिक लोड डाइट। आपकी डाइट यानी आहार आपकी त्वचा को प्रभावित करती है। कम ब्लड शुगर लेवल और लो इंसुलिन लेवल ऑयल प्रोडक्शन को कम करता है। ऐसे खाद्य पदार्थ जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स अधिक होता है ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है, साथ ही इंसुलिन के स्तर को भी बढ़ाता है। इस तरह से ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स
वाले खाद्य पदार्थ लेने से एक्नी यानी मुहासों के विकास और सीवियरिटी में वृद्धि होती है। इसलिए अगर आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं या आपके चेहरे पर एक्नी रहते हैं तो आप ज़्यादा मीठे ड्रिंक्स, केक्स, डोनट्स, पेस्ट्रीज और कैंडीज, शुगरी ब्रेकफास्ट का सेवन ना करें। इनकी जगह आप कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाद्य पदार्थ जैसे कि फल, सब्जियां, दालें, नट्स आदि का सेवन कर सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स का कम इस्तेमाल करना भी एक्ने ट्रीटमेंट में हेल्पफुल होता है। दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स में IGF नामक हार्मोन पाया जाता है जो एक्ने के विकास से संबंधित है। साथ ही दूध में कुछ और ऐसे हार्मोन्स भी होते हैं जिनकी वजह से एक्ने यानी मुहासे हो सकते हैं। इसलिए अगर आपको पिंपल्स, एक्ने होते हैं तो आप दूध और दूध से बनी चीज़ों का सेवन बहुत कम करें। ज़्यादा स्ट्रेस लेने से यानी तनाव में रहने से भी पिंपल्स मुहासे होते हैं, इसलिए आप तनाव कम करें। इसके लिए चाहिए कि आप अच्छी नींद लें, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन तथा फिजिकल एक्टिविटी करें। इस तरह से इस वीडियो में आपने जाना कि पिंपल्स को आप घर पर ही कैसे नेचुरल तरीके से ठीक कर सकते हैं। अगर आपको स्वास्थ्य और मेडिसिन से संबंधित इसी तरह की और जानकारियां चाहिए तो सब्सक्राइब करिए यूजी फार्मा गाइड चैनल को और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।